हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द माइनस प्लस पे। मैं हूं नवनीत। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए ला रहा हूं सोमवार से बेसिक मैथ, जो कि क्लास वन से क्लास एट तक का जो मैथ है उसका निचोड़ बताएंगे हम। मतलब बारी बारी से सब कुछ बता देंगे, इतना बता देंगे कि क्लास वन से एट तक की जो गणित है उसके सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। और वो बहुत ज़रूरी है, अगर आप जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो वो मैथ बहुत ज़रूरी है। क्लास नाइन और टेंथ, ये क्लास नाइन और टेंथ ये दोनों भी जरूरी है, लेकिन पहले हम लोग वन से एट तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नाइन्थ का और टेंथ का बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर सिक्स सेवन एट को एक साथ हम मर्ज करके उसका जो कंटेंट है उसको एक साथ हम बता रहे हैं, जैसे हम आप बताए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना अगर समय हो तो, वरना वो जरूरी नहीं है उतना, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ इतना बताया है कि कब कौन सी वीडियो आने वाली है, कैसे क्या करने वाले हैं, कौन कौन सा चैप्टर है। हाँ, उसमें ये बताया है कि क्लास वन से क्लास फाइव तक का जो मैथ है उसको हम लोग 10 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, 10 वीडियो में मात्र कंप्लीट कर देंगे क्लास वन से क्लास फाइव तक का जो मैथ है वो। तो हम लोग शुरू करेंगे क्लास वन से, तो वन से शुरू करेंगे तो ये नहीं कि अब जोड़ बना रहे हैं तो जोड़ी बना रहे हैं। जैसा कि आज हम ये पहली वीडियो है जिसमें क्लास वन टू थ्री कवर हो जाएगा इसी में, मतलब जितना सीखना है इसमें हम सीखेंगे क्या, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जोड़ घटाओ गुना भागा, मात्र इस चार चीज़ों में कहीं कहीं आपको जो समस्या आती होगी उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। 2+2 भी करेंगे और थोड़ा सा वीडियो को आप पूरा देखो बिना स्किप किए हुए, क्योंकि वीडियो के बीच में ही कभी जो छोटी छोटी बातें होंगी, अब ये तो नहीं है कि कुछ बता रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी बातें बताएंगे, मतलब जोड़ में कहीं पर कुछ ऐसा जोड़ हो सकता है आप वहाँ कन्फ्यूज करते होगे, ज़रूर ऐसा हम आज कुछ बताएंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगी। भागा डिवीजन ही बताएंगे लेकिन उसमें आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, आप वीडियो देखिए फिर आपको समझ में आएगा कि हम बेसिक मैथ में आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से, क्लास वन से भी नीचे से, मतलब जीरो से। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये जो है इसको डिजिट बोलते हैं, अंक बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंक, अंक इंग्लिश में डिजिट। ठीक है, ये है डिजिट, इसको अंक बोलते हैं। गणित में जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होता है, हिंदी में भी होता है अ आ सही क ख ग च छ, ये सब होता है इंग्लिश में होता है ए बी सी डी, उसी तरह गणित में मैथ में होता है जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, सही है। उसके बाद मान लीजिए इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी जेड तक, उसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं, ए बी सी डी सीखने के बाद हम लोग ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट, डी से डॉग सीखते हैं। इसी तरह ये जो अंक है इससे हम लोग संख्या बनाते हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया ए पी पी एल ई और इससे हम लोग बना लिए एप्पल। ठीक है, उसी तरह जीरो एक दो तीन चार मैथ का अल्फ़ाबेट है जिसको डिजिट बोलते हैं मैथ में या हिंदी में अंक बोलते हैं, तो इससे हम लोग संख्या बनाते हैं, अंक से संख्या बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे हम 10 बनाए, ये 10 संख्या है, सही है, 10 संख्या है। 10 बनाने में हमको कौन कौन सा चीज़ लगा, जीरो और वन, इस दोनों की सहायता से हम 10 बना लिए। तो 10 क्या है, संख्या है, और जीरो और वन क्या है, डिजिट है। तो ये हो गया, मान के चलिए अगर इंग्लिश की बात करें तो ये हो जाएगा वर्ड, अगर ये अल्फाबेट है, लेटर है। ठीक है, अगर ये ए बी सी डी है तो ये फिर वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे कि 23 बनाएंगे, 23, तो इसमें दो डिजिट है, तीन भी डिजिट है, और दो तीन मिला के क्या बन गया, 23 बन गया। तो इस तरह से ये डिजिट है और ये नंबर है, कुछ भी बनाते हैं 77 78 89, ये सभी संख्या है। एक भी, एक जो है, मान लीजिए सात, सात क्या है, डिजिट है, और एक सात, जीरो और सेवन से मिलकर क्या बन गया, ये संख्या भी है, सात संख्या भी है, सात डिजिट भी है, जीरो संख्या भी है, जीरो डिजिट भी है, दो संख्या भी है, दो डिजिट भी है, ये सब संख्या और डिजिट दोनों है। और इसकी सहायता से हम लोग क्या बना लेते हैं, नंबर्स बना लेते हैं, नंबर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब चलिए कुछ और देखते हैं, जोड़ घटाओ गुणा भागा भी देखते हैं। ये तो आता है ना, 2+2=4, 2-2=0। पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, फिर जोड़ सीखेंगे।
डिजिट सीखे, संख्या सीखे, अब जोड़ सीखेंगे। कैसा जोड़? 2+2। इसमें थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे। अब देखिए, डिजिट से संख्या बनाना सीख गए, डिजिट से संख्या बनाना सीख गए। संख्या मतलब नंबर, NUMBER, उसके बाद R, नंबर। नंबर मतलब संख्या, संख्या बनाना तो आप सीख गए। अब क्या करना है, हम आपको बता दें संख्या कितने प्रकार का होता है पूरे संसार में। वीडियो को स्किप मत करिएगा कभी भी, क्योंकि हम कब क्या बता देंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो संख्या जो है 3 प्रकार का होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में संख्या 3 प्रकार का। पहला पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक है, पहला पॉजिटिव, और एक नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, जो भी होता है ऋणात्मक, सही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखिए, जो नंबर्स होता है वो 3 प्रकार का होता है, या तो वो पॉजिटिव होगा मतलब धनात्मक होगा यानी धनवान होगा, दूसरा या तो नेगेटिव होगा, तीसरा होता है वो पॉजिटिव नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, उसको बोलते हैं जीरो, ZERO, जीरो यानी कि शून्य। या तो धनवान होगा या पूरे कंगाल होगा या फिर ऐसा होगा जो कुछ नहीं होगा। जीरो मतलब कुछ नहीं, आपके पास 0 रुपया मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास 0 कर्ज है मतलब आपके पास कोई कर्ज नहीं है। तो 3 प्रकार की संख्या आपको देखने को मिलेंगे बाजार में, मार्केट में 3 प्रकार के संख्या होते हैं, कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव संख्या कौन सा है, +5, +7, +9, और जीरो तो जीरो ही है, जीरो का एग्जाम्पल केवल एक है, वो है जीरो। जीरो का एग्जाम्पल केवल एक ही है इस संसार में, वो क्या है, जीरो, खुद जीरो। नेगेटिव, नेगेटिव क्या है, -9, -7, -11, -27, जिसमें माइनस लगा रहे, ये माइनस का साइन है और ये जो देख रहे हैं आप ये प्लस का साइन है, इतना तो पता होगा आपको, नहीं है तो देख लीजिए, इसको बोलते हैं प्लस का साइन, इसको बोलते हैं माइनस का साइन। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, समझ गए, सही है। तो +5, +7, +9 ये धनात्मक है, जीरो तो अपना जीरो है, और -9, -7, -11, -27 ये निगेटिव संख्या है, सही है, समझ में आ रहा है। तो एक बात और हम बता दें, अगर ये +5, +7, +9 ऐसा लिखा रहे केवल 5, 7 और 9 और एग्जांपल ले लेते 11, 27 etc, देखिए इसके पीछे प्लस का साइन नहीं लगा हुआ है, इसके पीछे प्लस का साइन नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इसके पीछे साइन नहीं लगा हुआ है तब, तो जिसके पास पैसा है उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर ये धनवान है तो यहाँ पर इसको दिखाना जरूरी नहीं है, अगर प्लस दिया हुआ है तो सही है, नहीं है तो भी वो सही है, पॉजिटिव है। अगर प्लस का साइन है तब तो दिखाई दे ही रहा है कि वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर वहां पर कोई चिन्ह नहीं है, जैसे 9 के पीछे कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब 9 भी पॉजिटिव है। अगर किसी संख्या के पीछे प्लस का साइन रहे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर कोई साइन नहीं है तब भी वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव एक ही कंडीशन में होगा, अगर उसके पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है, जैसे -9 है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो नेगेटिव है, अगर चिन्ह रहे तो जान ही जाएंगे कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर चिन्ह लगा रहे प्लस या माइनस का तब तो पता चल ही जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन अगर चिन्ह नहीं रहे इन केस तो वो संख्या पॉजिटिव है, ठीक है। इसलिए अक्सर आप जब भी देखते होंगे मैथ के बुक में तो चिन्ह नहीं रहता है वो पॉजिटिव होता है, सही है, यहां तक समझ गए। अब इससे आगे देखते हैं, इसको साफ करने के बाद आप लोग एक काम करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि इससे पहली वीडियो जो बनाए थे उसमें भी हम बोले थे कि आप लोग वीडियो शेयर करो, ताकि और आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे वो जुड़ेंगे तो मुझको वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं इस बार जो है। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए कि वीडियो को शेयर करिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो देखिए, कोई भी संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पहचानेंगे, देखिए उसके पीछे के साइन से, जैसे -x है तो x क्या है, यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे -5, -7, -9, -11, -27, -27, -29, -23, -99, -101, तो ये जो भी है ये निगेटिव है, सभी ऋणात्मक संख्या है, पीछे के साइन से पता चलता है। जैसे देखिए, अगर ऐसा रहे 5-7
तो सात के पीछे कौन सा चिन्ह है? सात के पीछे माइनस है, सात के पीछे माइनस है तो ये नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है। पांच के पीछे कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं है। तो हम बताए ना कि अगर पॉजिटिव लगा रहे हैं तब तो वो पॉजिटिव है, अगर कोई साइन नहीं है तब भी वो पॉजिटिव है। तो पांच यहाँ पे पॉजिटिव है, सही है, पांच पॉजिटिव है और ये सात निगेटिव है, समझ गए। पांच माइनस सात बराबर माइनस टू, कैसे हुआ वो भी बताएंगे। पहले आप ये समझ गए ना कि पीछे के साइन से हम चिन्ह को पहचानते हैं, जैसे सेवन माइनस इलेवन तो सात के आगे में माइनस है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम पीछे के चिन्ह को देखते हैं। हम क्या देखते हैं? पीछे के चिन्ह को देखते हैं, हम पीछे के चिन्ह को देखते हैं। तो सात के पहले क्या, ग्यारह के पहले क्या लगा हुआ है? माइनस, तो ये हो गया नेगेटिव। और सात के पहले क्या है? प्लस का साइन है, रहे तो प्लस है, नहीं है तो फिर भी प्लस है, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसको हम साफ करके आगे हम प्लस जोड़ सीखते हैं, एक छोटा सा जोड़ बनाएंगे, सही है। अब देखिए हम यहाँ पे जोड़ और घटाव सीखेंगे, इससे पहले हम सीख लिए हैं जो कुछ, अब उसके आगे जोड़ और घटाव सीखेंगे। आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, आप समझेंगे 2+2 हमको आता ही है, स्किप कर देते हैं, ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि ये एक मौका है आपके लिए बेसिक मैथ सीखने का। तो 2+2=4, आप सबको पता है कि 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -2 + 2 -2 + 2, जब भी आपको एक माइनस का और एक प्लस का साइन रहे तो आपको घटाना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को आपको माइनस करना है। इसमें 2 और 2 में कौन बड़ा है? 2 और 2 तो इक्वल ही होता है ना, तो 2 में से 2 गया, एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको माइनस करना है। 2 में से 2 गया 0, समझ में आ गया, 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे देखिए -11 + 2 -11 + 2, तो नंबर हम आपको बताए 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो यहाँ पर 2 नंबर है, एक -11 क्या है? नेगेटिव है, और ये जो है +2 पॉजिटिव है। संख्या के पीछे का चिन्ह संख्या का होता है, मतलब 2 के पीछे प्लस है तो ये +2 हुआ, मतलब 2 धनात्मक है। 11 के पीछे माइनस है, मतलब 11 ऋणात्मक है, मतलब नेगेटिव है, सही है। तो एक माइनस का चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह है, तो हमको करना है माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। माइनस प्लस को भी छोड़ दीजिए, बड़ा 11 है और छोटा 2 है, तो 11 में से 2 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 9। लेकिन ये 9 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो कैसे पता करेंगे? तो इधर देखिए, ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, तो इसमें बड़ा कौन है? 11 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो 11 बड़ा है, तो 11 के पीछे कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, तो बड़े वाले के पीछे वाला चिन्ह हम आंसर में लगा देते हैं, तो माइनस है तो -9। मतलब अगर एक माइनस का चिन्ह रहे, एक प्लस का चिन्ह रहे, तो हमको तो घटाना ही है बड़ा वाला में से छोटा वाला। जैसे 11 बड़ा था 2 छोटा था, तो 11 में से 2 को माइनस कर दिया, 9 आ गया, 9 आ गया। तो अब यहाँ पर 9 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसके पीछे कौन सा चिन्ह लगेगा वो कैसे हम क्लियर करेंगे? तो देखेंगे कि पॉजिटिव वाला जो है वो संख्या बड़ा है या नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला है वो बड़ा है या पॉजिटिव वाला है वो बड़ा है। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला 11 था, बड़ा था, तो उसके पीछे कौन सा चिन्ह है? माइनस है। नेगेटिव वाला बड़ा था तो नेगेटिव लगा दिए, माइनस लगा दिए। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है, -7 - 6 - 7 - 6। जब दोनों नेगेटिव रहे, नेगेटिव का मतलब कर्ज। अब -7 रुपया एक जगह कर्ज है, -6 रुपया एक जगह कर्ज है आपको, तो आपके पास टोटल कितना कर्ज है? उस कंडीशन में आप क्या करोगे? दोनों कर्ज को जोड़ दोगे, तो 7 और 6 13, 13 रुपया कर्ज है, माइनस का मतलब कर्ज। तो 7 6 जोड़ दिए, चिन्ह कौन सा लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा, क्योंकि कर्ज है। अब देखिए दोनों प्लस है, 8 और 7 तो 15 हो गया, चिन्ह भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि दोनों प्लस है, तो प्लस। अब देखिए +9 - 6, मतलब 9 में से 6 को माइनस करना है। हम बोले ना कि जब दो चिन्ह रहेगा प्लस और माइनस का, तो हमको घटाना है बड़े वाले में से छोटा वाला, तो 9 में से 6 गया 3। अब इसके पीछे चिन्ह कौन सा होगा, प्लस का या माइनस का? तो देखेंगे पॉजिटिव बड़ा है या नेगेटिव बड़ा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो है 9 है, नेगेटिव 6 है, तो पॉजिटिव बड़ा है, तो पॉजिटिव बड़ा है तो यह भी पॉजिटिव होगा, मतलब +3 होगा। अब +3 लिखिए या केवल 3 लिखिए, बात तो बराबर ही है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल सेम है, यहाँ पे +9 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस नहीं लिखा हुआ है, मतलब वही है। अगर प्लस नहीं भी लिखा हुआ है फिर भी ये पॉजिटिव है, तो 9 में से 6 गया तो 3 आंसर। तो ये था जोड़ घटाव का सिंपल ट्रिक। अब ट्रिक क्या बोलेंगे, मतलब ये छोटा सा जोड़ घटाव था जो आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए चलते हैं गुना में, गुना में थोड़ा सा मजेदार है, वीडियो को स्किप नहीं करना है।
बिल्कुल छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, हो सकता है कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी हम वीडियो बनाते हैं कुछ बड़ा सा, कुछ इम्पोर्टेंट, जो सुबह 6:30 बजे वीडियो आती है, तो उसके कमेंट में आ जाता है कि लघुत्तम बताइए, महत्तम बताइए, लेकिन उसमें अगर हम आगे चले गए होते हैं, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट लघुत्तम तो नहीं बता सकते। इसलिए हम सोचे कि एक बेसिक सीरीज स्टार्ट करते हैं, इसमें सारा कुछ बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ें। अब देखिए क्लास वन की चीज़ें बता रहे हैं, क्लास वन क्लास टू की, तो वो छोटी छोटी होगी, लेकिन आपको देखना है लगातार, क्योंकि उसमें से आपको फिर समझिए कि रिविजन हो रहा है, जिसको आ रहा है वो समझिए रिविजन हो रहा, जो नहीं जानते थे वो जान लीजिए, मतलब देखना पूरा है, सबको देखना है और वीडियो को शेयर भी करना है। तो देखिए किसी भी संख्या में, ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर एक जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करोगे तो वो 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 15 को गुना करते हैं 0 से, तो आंसर आ जाएगा 0। 0 से गुना करोगे तो 0 ही आएगा। 100 को गुना कर लो आप 0 से तो फिर भी 0 आएगा। 9, 7, 6, 3 को गुना कर लो 0 से तो 0 आएगा। 7, 1, 2, 3, 4 को गुना कर लो 0 से तो 0 ही आएगा। समझ गए, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुना करते हो तो आंसर 0 आता है। उसी तरह अगर किसी संख्या में 1 से गुना करोगे तो वही संख्या आ जाएगा जिस संख्या में आपने 1 से गुना किया, जैसे कि 7 × 1 = 7 वही संख्या, 9 × 1 = 9 वही संख्या, 21 × 1 तो आ जाएगा वही संख्या, यानी कि 21। समझ गए, किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो वो संख्या 0 हो जाएगा, किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वो संख्या, जिस मतलब वही संख्या आ जाएगा। समझ गए, अब चलिए गुना में एक चीज और देखते हैं, जिसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि प्लस गुना प्लस बराबर क्या, माइनस गुना प्लस बराबर क्या, प्लस गुना माइनस बराबर क्या, तो वो अभी हम क्लियर करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों को होता है, और कमेंट में भी बार बार आया है कि ये चीज़ बताइए, ये चीज़ बताइए। इस पर एक वीडियो तो हम बना चुके हैं, लेकिन वो छोड़िए, वो भाड़ में जाए, जो बता चुके हैं। अभी आप नया देखिए, शुरू से देखिए, प्लस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। दो ही तो साइन है, दो ही तो है, एक तो है प्लस, दूसरा है माइनस, और कोई साइन है नहीं है, या तो प्लस है या माइनस है, तो दो ही साइन है, या तो प्लस है या माइनस है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर सेम रहेगा उसको गुना करेंगे तो प्लस आएगा। अगर सेम, सेम कहने का मतलब क्या, प्लस को प्लस से गुना करेंगे ये सेम हो गया, या माइनस को माइनस से गुना करेंगे, दोनों माइनस होगा या दोनों प्लस होगा, तो जो अपना आंसर आएगा वो प्लस आएगा। अगर उल्टा पुल्टा हुआ, मतलब माइनस गुना प्लस या प्लस गुना माइनस, तब आंसर माइनस आएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। एग्जाम्पल क्या, प्लस 5 × + 7, मतलब दोनों प्लस में, प्लस में रहता है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होता, मतलब 5 × 7 है अपना, तो दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, तो 5 × 7 = 35, 35 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पीछे प्लस का साइन लगा दिए, नहीं भी लगाएंगे तो भी ये पॉजिटिव है, सही है, दोनों अगर प्लस रहा तो आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पर देखिए आप, यही एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों माइनस, −5 × −7 = क्या, तो अगर ये दोनों निगेटिव ही है तो 5 × 7 पहला 35 लिखिए, और −−± हो जाता है, मतलब +35, तो +35 हो गया, तो प्लस है तो प्लस दीजिए, चाहे नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों अगर माइनस होगा तो आंसर प्लस आएगा, या फिर दोनों प्लस होगा तो आंसर प्लस आएगा। लेकिन जब भी उल्टा पुल्टा होगा, या तो प्लस को माइनस से गुना करिए या माइनस को प्लस से गुना करिए, तो आंसर नेगेटिव आएगा। समझ गए, जैसे −5 × +5 × −7 = 5 × 7 = 35, लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा, −35, ठीक है, 5 × 7 = 35, लेकिन +× −−, या आ जाए −5 × +7 = +7 है, तो प्लस लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 × 7 = 35, लेकिन −± इसलिए इसके पीछे लग जाएगा माइनस, तो −± सही है, क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने, लेकिन आप अपना काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करिए कि आपको क्या लग रहा है, हम ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं या कुछ भी, अगर नहीं कुछ दिक्कत है फिर भी करिए, नाइस ताइस कुछ भी लिख के कमेंट पक्का करिए, सही है। और वीडियो को शेयर तो करना ही है, आप लोग सुन लेते हो एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हो, सोचते कोई कर देगा हम क्या करें, लेकिन भाई आप करो,
आपको करना है शेयर। हम आपको बोल रहे हैं कि आपको वीडियो शेयर करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे तभी तो व्यूज बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, तो मुझे थोड़ा सा मन लगेगा वीडियो बनाने में, सही है। चलिए अब आगे चीज देखते हैं, भागा। अब कुछ भागा के नियम कानून को आप देख लो, वीडियो को स्किप नहीं करना, ये बात आप ही हमेशा याद रखो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी इसको स्किप करके देख लेंगे और कल या परसों, सब वीडियो में तो ये नहीं बता सकते हैं ना, तो कल परसों कोई कमेंट करेगा कि हम ये समझे नहीं, इस पर वीडियो बनाइए, तो अब फिर हम इसको कहाँ से बताएं कि ये तो हम बता चुके हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमेशा इसमें गलतियाँ हो जाती है सभी से, मुझसे भी। तो 0/a = 0 कहने का मतलब है साधारण भाषा में, जीरो में अगर आप किसी भी संख्या से भागा दोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। मतलब 0 में आप भागा दे लो 15 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में आप भागा दे लो कितना से, 1997 से, तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 0 में आप कुछ भी किसी भी संख्या से भागा दो, आपके मन में जो भी संख्या आ रहा है, 176,000 से भागा दे दो 0 में, फिर भी रिजल्ट 0 आएगा। मतलब 0 में किसी भी संख्या से आप भागा दो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आप 0 से किसी भी संख्या में भागा नहीं दे सकते, वो डायरेक्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में आप भागा नहीं दे सकते हो, अगर दोगे तो वो आंसर इनफाइनाइट होगा। मतलब 0 से किसी भी संख्या में अगर आप भागा दोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। मतलब 15/0 = क्या, इनफाइनाइट। 1007/0 = क्या, इनफाइनाइट। समझ गए ये चीज आपको, इनफाइनाइट मतलब अनंत, किसी भी संख्या में अगर 0 से भागा देते हो तो आंसर अनंत आता है। अब ये नियम देख लीजिए, जो गुना में देखे थे सेम वही भागा में भी लागू है, क्योंकि आपको पता चलेगा थोड़े दिन के बाद, क्योंकि अभी क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गुना और भागा हकीकत में एक ही है। जैसे जोड़ और घटाव हकीकत में एक ही चीज़ है, लेकिन हम लोग उसको समझते हैं कि जोड़ अलग है घटाव अलग है, लेकिन वो दोनों एक ही चीज़ है और गुना और भागा एक ही चीज़ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। हमारे साथ बने रहिए उसके लिए। देखिए थक जाते हैं, देखिए माइनस और माइनस है, दोनों सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जैसे गुना में होता था, सही है। सेम वही नियम है जो गुना में नियम लागू होता था, अगर सेम रहेगा मतलब माइनस से माइनस में भागा देंगे या प्लस से प्लस में भागा देंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब +/+ = +, -/-= +। मतलब -7/-9 है तो होता क्या है ना कि ऊपर नीचे ऐसे रहता तो आपको बताया जाएगा, सवाल बताते वक्त हम भी बोलेंगे कि माइनस माइनस कट गया, कहने का मतलब कट गया मतलब पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस कट गया मतलब माइनस माइनस हट गया और वो पॉजिटिव हो गया, और प्लस प्लस है तो वो प्लस आएगा। मतलब +7/+9 तो +7/9, मतलब +/+ = +। लेकिन जब भी उल्टा रहेगा अलग अलग रहेगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस रहेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए 7/-9 तो ये निगेटिव ही रहेगा। मतलब 7/-9 है चाहे -7/9 है, चाहे ये बीच में है 7-7/9, ऊपर रहे माइनस या नीचे रहे माइनस या बीच में रहे, एक ही मतलब होता है, वो तीनों बराबर है, समझे। तो निगेटिव अगर ऊपर रहे निगेटिव, चाहे निगेटिव एक जगह कहीं पर निगेटिव रहे एक जगह पॉजिटिव रहे, तो उसका मतलब हो गया वो संख्या निगेटिव है। मतलब +/-, समझ गए। या ऊपर में भी यहाँ पर माइनस है, नीचे में प्लस है, मान लीजिए -7/9 है तो इसका मतलब ये नेगेटिव संख्या है, समझ गए। -7/9 हो या -7 ऊपर में प्लस ही रहे, +7/-9 हो या फिर बीच में रहे, तीनों का मतलब एक ही होता है, समझ गए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है और आपको इतना थोड़ा सा करना पड़ेगा कि 25-30 मिनट की वीडियो तो बनेगी, क्योंकि हम बहुत जल्दी कवर कर रहे हैं। क्लास 1 से क्लास 8 8 साल का सिलेबस है जिसको हम लोग 50-60 वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो काम आप ही को करना है, आप दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो। कमेंट में करना है, समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए वेरी नाइस, और नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए क्या नहीं समझ में आ रहा है, और लाइक तो वीडियो को कर ही दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, कब, तो कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए टेक केयर।